Hello student, today we start our next chapter, that is aldehyde and ketones, that is carbonyl compound. Carbonyl compounds kya hote hain? Any compound which are carbonyl group are called carbonyl compound. Theek hai? So today we start our next chapter, that is carbonyl compound. ठीक है स्टूडेंट, देखना स्टूडेंट, कार्बोनाइल कंपाउंड दो होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन. एनी कंपाउंड समझना विच हैव कार्बोनाइल ग्रुप, ये क्या होता है स्टूडेंट? कार्बोनाइल ग्रुप है ना. तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट इसमें एनी कंपाउंड any compound which have carbonyl group any compound which have carbonyl group hai na called carbonyl compound. कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है. अब ये जो होते हैं, ये दो होते हैं, कौन कौन से? एल्डिहाइड कीटोन है ना. एल्डिहाइड क्या होता है समझना, एल्डिहाइड ये होता है हमारा एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड जो होता है वो होता है, ये होता है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है. कीटोन जो होते हैं स्टूडेंट, दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल कीटोन, है ना, और एक होता है स्टूडेंट मिक्स्ड कीटोन, एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स्ड कीटोन. सिंपल कीटोन क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है मिक्स्ड कीटोन और ये होता है हमारा सिंपल कीटोन. तो यानी कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर एनी कंपाउंड विच हैव कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि ये जब ग्रुप आएगा है ना, ये जब ग्रुप होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हम उसको कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं अपन उसको? कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट, यानी कि आइसोमेरेज अगर ये अपन देखें तो पोजिशन आइसोमेरेज, चेन आइसोमेरेज, टोटोमेरेज ये सब शो करेंगे, ठीक है. तो क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज है ना, तो यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो वो भी शो करता है. ये अपन आइसोमेरिज चैप्टर के अंदर पढ़ के आते हैं, क्लास 11th के अंदर, ठीक है. तो इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, है ना. तो सफिक्स जो होता है, सफिक्स एल्डिहाइड का तो होता है, सफिक्स ऑफ एल्डिहाइड तो वो होता है AL, ठीक है. AL जो होता है, सफिक्स होता है एल्डिहाइड का, और सफिक्स कीटोन का होता है वो होता है ओन. क्या होता है स्टूडेंट? ओन. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये होता है अल और ये होता है ओन. समझ में आ रहा है इतनी चीज? तो ये होते हैं हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है. नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, इतनी चीज समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है. तो मैं यहां पर देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो फर्स्ट मेथड होता है फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस देखो है ना, देखना एल्कीन देखना, इसमें क्या होता है, कट दी डबल बॉन्ड एंड पेस्ट दी ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे इसमें ओजोनाइट बनता है, क्या बनता है, ओजोनाइट बनता है, तो अपन उससे नहीं देखेंगे, अपन ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, है ना, ZNO की प्रेजेंस ओजोनोलाइसिस होता है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है। ठीक है, तो हम इसका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। तो देखो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे एंड पेस टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो CH3CHO और CHO, सही मेरा, तो डबल बॉन्ड रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो कट दी डबल बॉन्ड एंड पेस्ट दी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पेस्ट किया तो CH3CHO और CH3CHO बना, तो फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन से करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड अपन इसका चेक करेंगे, आपको ये चीज समझना है कि कार्बोनाइल ग्रुप जो कंटेन होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये वाली चीज, एनी कंपाउंड विच कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, तो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं अपन, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है ना, तो वो चीज होती है। अब यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा क्या होता है, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये ZN और H2O की प्रेजेंस में होता है। ठीक है ना, ZN और H2O की प्रेजेंस में होता है, तो ये चीज बनती है। ठीक है, ये ओजोनोलाइसिस करवाते हैं अपन एल्कीन का, ये होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या होता है अपना स्टूडेंट, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। एक्चुअली क्या होता है, ये जो H2O2 बनता है, जब अपन सबसे पहले इसका जब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो यह H2O2 बनता है। अब H2O2 को क्या होता है, अपन ZN के साथ रिएक्शन कराते हैं, ZNO और H2O बना देते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट वन है, सेकेंड वन, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, देखो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के अंदर क्या होता है, देखो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो खुशराव रिएक्शन जो होती है, तो वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, और हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन भी होती है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन जो होता है, फर्स्ट होता है हाइड्रोबोरेशन से, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, इसका अपन टोटोमराइज कराते हैं, तो क्या बनता है CH3CHO, क्या बनता है ये CH3CHO। तो देखो यहां से अपन को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिला है, तो ये होती है हमारी हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, तो इससे अपन को एल्डिहाइड मिला, समझ में आ रहा है ना, इसको आप चेक कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की ही जो रिएक्शन होती है, वो कौन सी होती है हमारी, ऑक्स
दूसरी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना, हम एल्कीन का जब अपन ने हाइड्रेशन किया था तो अपन को एल्कोहल मिला था, ठीक है, वहां एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा था, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन कराया था, हाइड्रोबोरेशन करवाया था ना। तो यहां पर अपन ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन इसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, खुशराव रिएक्शन, है ना, नेम ऑफ दिस रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, है ना। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर देखना सबसे पहले क्या होगा, मार्कोनिकोफ रूल ही चलेंगे, है ना। यहां पर देखो, है ना, ये चीज हो जाएगी, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड और ये इधर चला जाएगा, है ना, ये चीज होती है। टोटोमराइज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3, है ना, क्या हो जाएगा, ये होता है ना टोटोमराइज, टोटोमराइजेशन होता है ना, ठीक है, एल्कीन और अल्कोहल। तो यहां से ये H इधर चला जाता है, तो देखो यहां से अपन को कीटोन मिल गया, क्या मिल गया अपन को, कीटोन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, है ना, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन अपन की जो हो रही थी रिएक्शन, है ना। अब ओजोनोलाइसिस करवाते हैं एल्काइन का, है ना, एल्काइन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं। तो देख लो, नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जब अपन ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो देखो, है ना, तो स्टूडेंट यहां पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं, है ना, देखना है ना। तो ये चीज बनती है, क्या होता है, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ते हैं, है ना, तो डबल बॉन्ड तो यहां से ये टूटा, ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो ऑक्सीजन, इस तरह से अपन को प्रोडक्ट मिलता है, इस तरह से अपन को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, समझ में। तो इसको बोलते हैं अपन ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड, सिर्फ एल्डिहाइड को जो बनाने का तरीका होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो RCOCl है, तो RCHO चाहिए अपन को, है ना, तो ये क्या बनता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड को बनाते हैं, तो जैसे PDBaSO4 की प्रेजेंस होता है तो उसको बोलते हैं रोसेनमेंट रिडक्शन, और एक होता है स्टेफन रिडक्शन, ठीक है, वो भी सिर्फ एल्डिहाइड ही बनाने का तरीका है, ठीक है। तो अभी अपन उसको चेक करेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए। स्टूडेंट अब नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड की अपन बात कर रहे थे, देख रहे स्टूडेंट, नेम रिएक्शन है, याद रखना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड, केयरफुली समझना है इसको, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को जो बनाता है RCOCl है या ARCOCl है, इसकी रिएक्शन अपन PDBaSO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है RCHO, है ना, और इसकी भी रिएक्शन अगर अपन PDBaSO4 की प्रेजेंस में कराएंगे क्या बन जाएगा RCHO, और ये कौन सी रिएक्शन हमारी, रोसेनमुंड रिएक्शन, क्या होता है, रोसेनमुंड रिएक्शन, ठीक है।
ये हमारी रॉफेनमुंड रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, ठीक है। ये वाली रिएक्शन जो है ये है हमारी रॉफेनमुंड रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी स्टेफन रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, है ना। अब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएं, तो इसमें क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ठीक है। इसका क्या करवाते हैं अपन, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, है ना। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं SN और प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो RCH डबल बॉन्ड NH बनता है, ठीक है। इसका फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, है ना। तो क्या बनता है हमारा RCH, क्या बनता है स्टूडेंट, RCH। क्लियर ऑल ऑफ यू, ठीक है, है ना। तो ये एल्काइल साइनाइड है, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन अपन SnHCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये चीज बनती है, इसके बाद फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो RCHO में चेंज हो जाता है, ठीक है। देख लीजिए, ओके स्टूडेंट, क्लियर ऑल ऑफ यू। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, अगेन वी कम एंड डिस्कस अवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। From dry distillation calcium salt of carboxylic acid, इसमें क्या होगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज बन जाएगी, है ना। देखो, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब अपन इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो RCOO होल ट्वाइस और CA बनेगा। आप समझना, जैसे अपन ने ये लिया, जब इसकी रिएक्शन है ना, तो देखना इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाएंगे, है ना। तो जब ये वाला है ना, तो यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट क्या रिमूव होगा स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो HCHO बन जाएगा, ठीक है, HCHO, ठीक है, HCHO, ठीक है, ये चीज बनी। तो ये अपना ये रिमूव होगा, देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, क्या रिमूव हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एच है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ है ना, ओ और एच, ये चीज है। अब यहां से अपन क्या करेंगे, माइनस कैल्शियम कार्बोनेट हो जाए, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब यहां से रिमूव होगा, ये चीज है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ये रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, एच सी एच। देखो इससे कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो, ठीक है। आर है, एच है, एच है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी ए है, ठीक है। तो चेक कर लीजिए, देखना स्टूडेंट ये ऐसा नहीं होगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा। देखो इसको H कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव कर रहा है ना, अब ये CA है,
ये ओ है, ये है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां से अपने को कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा तो CaCO3 तो ये पूरा जाएगा, ये चीज पूरी की पूरी रिमूव होगी। तो यहां से अपन को HCHO मिल गया, क्या मिल जाएगा HCHO। तो ये C डबल O का होल ट्वाइस और ये C है, समझ में आया। तो यहां पर अगर ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम क्या है तुम्हारा, फॉर्मेट है, तो इससे अपन को ये मिलेगा, ठीक है। अगर ये कैल्शियम फॉर्मेट नहीं होता, कोई और कोई होता, देखते हैं। देखना, मान लो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CaO C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है, ये चीज है। जब इसका अपन फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको हीट कर रहे हैं, सॉरी यहां पर भी अपन ने हीट किया है, हीट का साइन कैसे करते हैं, तो माइनस कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो माइनस कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कौन सा होगा हमारा, ये पूरी की पूरी चीज रिमूव, ठीक। तो अपन को क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कीटोन, क्या मिल जाएगा अपन को, कीटोन, ठीक है। तो अगर ये वाला है, ये लिया है अपन ने, अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो ही अपन को एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज अपन को दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कीटोन, ठीक है। तो आप इसको चेक कर ली, तो हमारे इस तरह से क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होते हैं वो कंप्लीट पार्ट होता है, ठीक है। समझ में आया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का जब अपन हाइड्रेशन करवाते हैं तो अपन को क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है ना, या कीटोन मिलता है, ठीक है। तो हाइड्रेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन थी, है ना। फिर नेक्स्ट था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन, तो ग्लाइऑक्सिन मिला था अपन को, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ओनली फॉर एल्डिहाइड, तो अपन क्या करेंगे, RCOCl का PDBSO4 के, तो RCHO मिलेगा। स्टेफन रिडक्शन है, तो वो भी चीज अपन को चीज समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम डाई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैसे, जब भी हम एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो अपन को ये मिलता है, ये प्रोडक्ट मिलता है। जब इसकी रिएक्शन अपन इसको हीट करते हैं तो अपन को एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आप इसको देख लीजिए, अगेन वी कम एंड डिस्कस अवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ स्टूडेंट अवर चेक अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो लेट मी चेक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देखो, हमको ये पता है स्टूडेंट कि कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि NAR, ठीक है। तो NAR शो करते हैं कौन, कार्बोनिल कंपाउंड शो, NAR शो कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड शो NAR, NAR क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कौन, कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी रिएक्शन अपन ने क्या की, ओके स्टूडेंट, क्लियर ऑल ऑफ यू, तो ये चीज बनेगा। इसकी रिएक्शन अपन इलेक्ट्रोफाइल से करवाएंगे,
क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ रही है ये चीज। तो ये क्या हुआ, NAR शो करते हैं कौन, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, समझ में आ गई। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट क्या है ये, जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होगा मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, केयरफुली समझ में आ गया। नेक्स्ट, इसी के अंदर हम सबसे पहले रिएक्शन देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड की विद HCl, क्या HCl, ठीक है। तो देखना, जब हम ये कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन विद HCl, ठीक है, तो H प्लस और CN माइनस में जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, केयरफुली समझ में आ रहा है। जब इसकी रिएक्शन अपन H प्लस और CN माइनस से करवाएंगे, ठीक है, तो ठीक है, ये होगा और इसके बाद इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहां पर RH भी हो सकता है और RR भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, समझ में आ गई ये चीज आपको। तो रिएक्शन विथ HCN, अब नेक्स्ट रिएक्शन है ROH के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं, देखिए स्टूडेंट, पहली रिएक्शन तो अपन ने HCN के साथ कराई, नेक्स्ट रिएक्शन रिएक्शन विथ ROH, ठीक है, मान लो ये है ना एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ROH के साथ, है ना, ROH के साथ इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अपने को क्या होगा सोचना, एक तरफ तो RH तो लगा रहेगा, OH और OR लगेगा, क्या लगेगा, OH और OR, देखना है ना, इसको बोलते हैं हैमी एसिटन, और फिर से जब रिएक्शन होगी ROH के साथ तो क्या बन जाएगा, तो ये होता है हमारा एसिटन, है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। यहां पर देख लेना ROH के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये चीज बनती है और यहां से अपन को ये चीज मिल जाता है, ठीक है, तो इसको चेक कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो जब था एल्डिहाइड था तो हैमी एसिटल और फिर एसिटल मिल रहा था, इस तरह से अगर यहां पर कीटोन होता है, कीटोन होता है, ये हमारा होता है कीटोन, ठीक है, ये हमारा होता है कीटोन, जब इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं स्टूडेंट, ROH के साथ कराते हैं, है ना, ये माइनस ये पॉजिटिव होता है, तो क्या बनता है हमारा हैमी कीटल, क्या बनता है हमारा हैमी कीटल, है ना, इसको बोलते हैं हैमी कीटल। वापिस से जब इसकी रिएक्शन अपनी ROH के साथ होती है तो माइनस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा, है ना, यहां पर भी माइनस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां से हमको जो मिलता है वो मिलता है कीटल, क्या मिलता है कीटल,
है ना, और ये होता है हमारा हेमी कीटर। ओके स्टूडेंट, क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। तो जब हम एल्डिहाइड लेंगे तो हेमी एसिटल एसिटल मिलेगा, और अगर हमने कीटोन की रिएक्शन आरओएच के साथ कराई तो हेमी कीटल और कीटर मिलेगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया आपको, तो चेक कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो अपन ने आज चेक किया अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, सीख लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में अपन ने किया फ्रॉम एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से, फ्रॉम एल्काइन के ओजोनोलाइसिस से, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन चेक किया, तो इस तरह से हमने रिएक्शन सारी चेक करी, ठीक है। एक एक रिएक्शन की अपन ने स्टडी करी, एल्काइन मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की मेथड ऑफ फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्शन विद HCN और रिएक्शन विद ROH के साथ जो रिएक्शन थी वो भी अपन ने चेक की। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू।